आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालय के कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के कारण राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर से होने वाले इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है। प्रेम सिंह राठौड़ और अमित शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस SP शर्मा की कोर्ट ने ये अंतरिम निर्देश दिया। याचिका के जरिए कोर्ट को बताया गया कि RPSC ने RAS मेंस का परिणाम 7 जुलाई को जारी किया गया था, जिसमें विभागीय मंत्रालय के कोटे में उन कर्मचारियों को भी इंटरव्यू के लिए पात्र मान लिया गया जो विभागीय मंत्रालय के कर्मचारी नहीं थे। इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक कोटे में भी अपात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर इंटरव्यू के लिए बुला लिया। इस अनियमितता के चलते योग्य अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन नहीं हो सका। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।